नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका परिचय चिंतन यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है किस पद पे है तो इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न एक से दो प्रश्न जो है यहाँ इस टॉपिक जो है प्रश्न उठता है तो आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हो गए इन तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तमान में जो है पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसे बनाए गए है तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे इसमें जो है कुछ डाटा जो है वो ईयरली जो है चेंज हुआ करता है जैसे राज्य के परिस में देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो चेंज होते रहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वर्तमान में भारत में कौन क्या है ये टॉपिक है आपका इसमें जो है हम ल... वर्तमान में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गए राज्य मंत्रिमंडल हो गए और विभिन्न संस्थाओं के सी कौन हैं इस तरीके से जो है वो महत्वपूर्ण जो है उनको इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक वॉच करिएगा और कमेंट करके जरूर जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको बताना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले वहाँ से आपको ये पी जो है मिल जाएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको और करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं तो वर्तमान में कौन क्या है तो यहाँ पे जो है पहले हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी हैं तो ये आपको याद रखना है ये हालांकि सभी को याद होगा और उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू हैं और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं तो ती ये तीनों आपको याद होंगे और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए तो और राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद हो जाएंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं ते 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 तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से मंत्रालय किसके अधीन है तो ये जो है आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो यहाँ मंत्री और मंत्रालय तो नरेंद्र मोदी जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके पास जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री कार्मिक जन शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग जो है ये सभी विभाग जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह है पहले जो है दो में जो नरेंद्र मोदी सरकार बना था वहाँ पे ये गृह मंत्री थे तो इस समय जो रक्षा मंत्री हैं वो रच, आपके राजनाथ सिंह हैं इसके बाद अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं तो ये जो है मंत्री अमित शाह हैं तो ये याद रखना है निर्मला सीतारमण जो है कॉरपोरेट कार्य जो है तीन के द्वारा जो है वित्त मंत्रालय जो है देखा जाता है तो निर्मला सीतारामन वित्त कारपोरेट कार से रिलेटेड हो जाएंगी इसके बाद विदेश मंत्रालय जो है डॉक्टर एस सुबहियम जयशंकर हैं तो अगर हम यहीं पे 2015 की बात करें तो वहाँ पे जो है सुषमा स्वराज जो थी विदेश मंत्री थी तो ये जो है इस समय जो है प्रेजेंट 2019 में जो एन डी ए सरकार बनी है उसमें जो है विदेश मंत्री वो डॉक्टर एस सुबहियम जयशंकर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो है मानव संसाधन विकास मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय इनके अधीन है तो रमेश पोखरियाल हो गए नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सूक्ष्म में लघु एवं मध्यम उद्योग इनके पास है तो ये आपको याद रख है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसके अधीन है तो ये कम्पटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डी सदानंद गौड़ के गौड़ा जो है उन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है कृषि मंत्री कौन है तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री हैं किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायती राज भी इन्हीं के पास है एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये सभी जो विभाग है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है आपको ये कमेंट करके बताना है नरेंद्र सिंह तोमर किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये आपको इसका आंसर देना है इसके बाद है रविशंकर प्रसाद तो रविशंकर कानून एवं न्याय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय जो है इनके अधीन है तो कानून एवं न्याय मंत्रालय जो है किसके अधीन है तो रविशंकर प्रसाद के तो ये आपको याद रखना है थावरचंद गहलोत जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र जो है इनके अधीन है अर्जुन मुंडा जो है जनजाति कार्य मंत्रालय जो इनके अधीन है यहाँ पे जो पूछा जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन है तो स्मृत जुबिन ईरानी के अधीन है पिछली सरकार में जो है 2015 की एन सरकार में जो है उस समय जो थी मेनका गांधी जो है सांसद भाजपा की वो थी लेकिन वर्तमान में जो है स्मृत जुबिन ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इनको सौंपा गया वस्त्र मंत्रालय भी नियुक्त दिया गया है या जो है अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी को हरा के एन में सांसद बनी इन्हें जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो दिया गया इसके बाद अब डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान ये सभी मंत्रालय जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है प्रकाश जावड़कर जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग जो है इन्हीं के अधीन है पर्यावरण दिवस जो है पाँच जून को मनाया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है और विश्व जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण पहाड़ी उद्योग ये सभी जो है प्रकाश जावड़ेकर जी को दिया गया इसके बाद है पीयूष गोयल तो पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो है, है पीयूष गोयल को दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है मुख्तार अब्बास नकवी जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के का मंत्री हैं इसके बाद जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है किसके पास है तो ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास है और गिरिराज सिंह को पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन जो है वो दिया गया है ये आपको याद रख रहा है गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन से रिलेटेड है गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है तो ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है करेंट में इस समय योजनाएं चल रही हैं तो इसलिए पूछा जा सकता है जल शक्ति मंत्रालय इसके अधीन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत के अब हम राज मंत्री के स्वतंत्र प्रभार देख लेते हैं तो संतोष गंगवार जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है राव इंद्रजीत सांखी एवं तिहाज नहीं पूछा जाएगा आपका यहाँ पे जो पूछे जाएंगे उनको हम बता देते हैं किरण रिजिजू युवा मामले एवं खेल मंत्रालय जो है स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जो है इनको बनाया गया है संस्कृत पर्यटन मंत्रालय जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया है इसके बाद जो आपको पूछा जा सकता है इसमें आवास एवं शहरी कार्य नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है ये राज्य मंत्री हैं इसके बाद है राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो है इस्पात मंत्रालय है अश्विन चौबे जो है उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है इसके अलावा जो है आपका गृह राज्य मंत्री जो है जी किशन रेड्डी है पुरुषोत्तम रूपाला जो है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री हैं तो ये जो है आपको दोनों याद रखना है यहाँ पूछा जा सकता है इसके बाद है रामदास दास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था बाबू सुप्रियो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इनको सौंपा गया था गृह मंत्रालय जो है नित्यानंद राय को दिया गया है गृह मंत्रालय जो है वो अगर पूछा जाए कि अमित शाह के पास है जबकि यहाँ पे गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय को बनाया गया है इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण आपका महिला एवं बाल विकास देवाश्री चौधरी है इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है भारत के उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश तो वर्तमान में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या अगर बात करें हम तो ये आपके कम्पिटिशन में पूछा गया है यू पी पी के वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो वर्तमान जो है पच्चीस उच्च न्यायालय हैं पहले जो था वो चौबीस उच्च न्यायालय था पच्चीसवां जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है स्थापना की गई है पच्चीसवें उच्च न्यायालय की तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो है कौन सा उच्च न्यायालय जो है निर्माण करके बनाया गया तो पच्चीसवां जो है उच्च न्यायालय वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है अमरावती में तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो टोटल भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो पच्चीस हो गया है और इससे रिलेटेड जो है अभी करंट में अड़तालीसवें जो है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं वो एन वी रमना को बनाया गया है चौबीस अप्रैल से ये जो है दो हज़ार इक्कीस से ये पदभार ग्रहण करेंगे और सैतालीसवें की बात करें तो बोबड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जिनका कार्यकाल जो है चौबीस अप्रैल को समाप्त हो रहा है रिटायर हो रहे हैं उन्हीं के स्थान पर जो है अड़तालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है एन वी रमना जो है चौबीस अप्रैल को शपथ लेंगे तो ये अड़तालीसवें मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपको याद रखना है कंपटीशन में पूछा जाएगा आपके इसके बाद है तो भारत के उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों तक सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में जो है यहाँ पे न्यायालय उच्च न्यायालय जो है अंग्रेज शासनकाल में रखा गया था तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं टी बी एन राधाकृष्णन है, राधा, है तो ये आपको याद रखना है बॉम्बे के जो है दीपाकर दत्ता हैं मद्रास के संजीव बनर्जी इलाहाबाद ये आपको याद रखना है यूपी के जो है तो इलाहाबाद के गोविंद माथुर जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद बेंच का कर्नाटक का है श्रीनिवास ओका है पटना संजय करोल हैं गौहाटी सुधांशु धुलिया उड़ीसा एस मुरलीधरन राजस्थान जो है इनजीत महंती जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर की बात करें पंकज मिथल जो हैं वो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश मोहम्मद रफीक को जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है केरल के एस मणि कुमार हैं गुजरात के विक्रमनाथ हैं दिल्ली के धीरूभाई नान नारायण भाई, ना, भाई पटेल हैं ये आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो धीरूभाई नारायण भाई, भाई पटेल हैं पंजाब एवं हरियाणा के रविशंकर झा हैं लिगप्पा नारायण स्वामी जो है हिमाचल प्रदेश के सिक्किम के जितेंद्र कुमार महेश्वरी छत्तीसगढ़ के पी आर रामचंद्र मेनन उत्तराखंड के राघवेंद्र सिंह चौहान जो हैं वो हैं झारखंड रवि रंजन तो ये सभी जो है आपको याद रखना है और आंध्र प्रदेश जो सबसे लास्ट में है, बना है तो उसके जो है अरुण कुमार गोस्वामी जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं हीमा कोहली जो है तेलंगाना तो ये दोनों जो है राज्य अलग हुए हैं तो लास्ट में जो उच्च न्यायालय बनाया है वो आंध्र प्रदेश बनाए हैं तो यहाँ पर जो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या है वो पच्चीस है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो आप देख सकते हैं टोटल जो है उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो पच्चीस है अब भारतीय राज्य उनके राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में हालांकि जो है इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो दो मई के बाद हो सकती हैं चार पांच राज्यों में जो है चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे अब सरकार अगर चेंज होती है तो वहाँ पे जो है मुख्यमंत्रियों की नाम जो है वो चेंज हो सकते हैं तो यहाँ पे जो है अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग तो भारतीय राज्य में आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिशन्द जो हैं राज्यपाल हैं ये आपको याद रखना है जगमोहन रेड्डी जो है मुख्यमंत्री हैं और अंचल प्रदेश जो है बी डी मिश्रा जो है राज्यपाल पेमा खांडू जो हैं मुख्यमंत्री हैं इसके बाद है असंत जगदीश मुखी हैं सर्वानंद सोनेवाल जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भूतपूर्व तो ये आपको एग्जाम के लिए से महत्वपूर्ण है तो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसके बाद है उत्तराखंड तो बेबी रानी बेबी रानी मौर्य हैं तो ये भी जो है उत्तराखंड की राज्यपाल हैं लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो चेंज हो गए हैं तीरथ सिंह रावत जो है वो नए बने हुए हैं तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है अब जो है इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे जो है तीरथ रावत तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं वर्तमान जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह चौ रावत है ये आपको याद रखना है इसके बाद है उड़ीसा तो उड़ीसा के गणेशी लाल हैं नवीन पटनायक यहाँ के, के। कर्नाटक भाई आरवाला वीएस एस येद्यूरपा हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान पिनराई विजयन हैं गोवा के भगत सिंह कोश्यारी हैं एवं मुख्यमंत्री की बात करें प्रमोद सावंत गुजरात आजार्य देवव्रत हैं विजय रूपाणी जो, है जो, है जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ की बात करें अनुसुईया उइके जो हैं भूपेश बघेल जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सरन जो है झारखंड के हैं द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित तो हो गए तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नागालैंड आर्य राव नेहोर पंजाब जो है अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं ये जो है भारतीय राज्य के राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री हैं लेटेस्ट जो है यहाँ पे एक इजा आपको और पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो है किस राज्य के गृह मंत्री ने जो है इस्तीफा दिया तो वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उनके ऊपर जो है सौ करोड़ रुपये उगाही करने के लिए जो है आरोप लगा था इसलिए जो है उनके ऊपर सी बी चल रही है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसके बाद है पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़ हैं इस समय वर्तमान जो है ममता बनर्जी हैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे जो है दो मई को रिजल्ट आने के बाद जो है मुख्यमंत्री पद जो है वो चेंज हो सकती है या वही बनी रह सकती है है तो ये जो जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में आठ अप्रैल तक जो है लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो है मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की वो ममता बनर्जी हैं बिहार फागू चौहान नीतीश कुमार मध्य प्रदेश आनंदीबेन पटेल तो आनंदीबेन पटेल ये महत्वपूर्ण है आपके दोनों मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की दोनों जगह की जो है वो राज्यपाल हैं तो ये आपके एग्जाम के डिस्कोर्स में महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्या कोश्यारी जो है उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं है। और यहीं के गृह मंत्री जो है उन्होंने त्याग पत्र दिया है मणिपुर नजमा हेमतुल्ला हैं वी एन बीरेन्द्र सिंह हैं कोनराड़ संगमा जो है सत्यपाल मलिक मेघालय के तो ये जो है जाएंगे आपके मिजोरम पिल्लई जोरा मथांगा जो है राजस्थान कलराज मिश्र हैं ये भी यहाँ पे जो है कांग्रा कांग्रेस सरकार चल रही है कलराज मिश्र जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री हैं सिक्किम गंगा प्रसाद प्रेम सिंह तमिंग हिमाचल प्रदेश जो है जयराम ठाकुर त्रिपुरा जो है विप्लव कुमार देव तो ये जो है महत्वपूर्ण राज्य एवं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हो गए अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल राज्यों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं तो अट्ठाईस टोटल राज्य हैं और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो ये आपको याद रखना है यहाँ कन्फ्यूज कर, नहीं करना है आठ जो है टेरिटोरियर है केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो उनकी संख्या आठ है और राज्यों की संख्या बात करें हम अट्ठाईस राज्य जो हैं वो वर्तमान में हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है इस प्रकार से हैं निकोबार द्वीप समूह देवेश कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं चंडीगढ़ जो है बी पी सिंह बदनौर प्रशासक हैं अतिरिक्त प्रभार दिया गया इनको जम्मू कश्मीर जो है मनोज सिंघा उपराज्यपाल हैं तो ये सेकेंड जो है बनाए गए हैं दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं अनिल बैजल जो है उपराज्यपाल हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन होने के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो नौ हो गई थी लेकिन दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को 26 जनवरी को जो है एक मिला के ये है जो है एक में मिला दिए गए इसलिए जो है वर्तमान में घट के संख्या जो है केंद्र शासित की वो आठ हो चुकी है इसमें जो है आपका दादरा एवं नगर हवेली प्रफुल पटेल प्रशासक हैं इसके बाद पुन्दुछेरि तम, है पुंडुचेरी पुंडुचे तमिलसाई सौंदराजन है उपराज्यपाल अग्रवाल लक्षदीप जो है प्रफुल्ल पटेल प्रशासक लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर जो है उपराज्यपाल हैं तो ये आपको याद रखना है लद्दाख जो है नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए अब महत्वपूर्ण है संस्था संगठनों के प्रमुख जो हैं संवैधानिक प्रमुख तो अध्यक्ष जो है, है ओम बिरला है और उप सभापति राज्यसभा की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह है तो ये कहाँ से रिलेटेड हैं ये बिहार से हैं तो ये आपको याद रखना है ओम बिरला जो है राजस्थान से ये सांसद के रूप में चुन के आए हैं तो संस्था के प्रमुख संवैधानिक जो है अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला उप सभापति राज्यसभा की बात करें हरिवंश नारायण सिंह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो कैग जो है ये पहली बार बनाया गया है तीसरे जो है प्रथम परीक्षक की बात करें कैग की तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं महालेखक नियंत्रक सी जो है सोमा राय बर्मन को बनाया गया है तो ये आपको याद रखना है गिरीश चंद मुर्म जो है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल रहे थे और अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो है इनको दे दिया गया था तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैक जो है गिरीश चंद मुर्म है इसके बाद है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है इस समय कौन है तो सर्वोच्च सेनापति जो है होता है वो आपके रा राष्ट्रपति होते हैं किसी भी देश के राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं रामनाथ कोविंद जी जो हैं भारत सशस्त्र सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत हैं तो ये पूछा जा सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो जनरल बिपिन रावत वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं थल सेना जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं महानिदेशक सैन संचालन जो है ले जनरल परमजीत सिंह है तो ये आप सभी को ये सभी जो दिए गए हैं याद रखना है इसके बाद है सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव जो है राजीव गाबा हैं सलाहकार प्रधानमंत्री जो हैं भास्कर खुलबे हैं प्रधान सचिव जो है, है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वो कौन है पी के मिश्रा जी हैं इसके बाद है रक्षा वित्त सचिव जो है गार्गी कौल हैं विदेश सचिव जो है हर्षवर्धन सिंगला हैं गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला हैं वित्त सचिव जो है अजय भूषण पांडे रक्षा सचिव अजीव कुमार राजस्व सचिव जो हैं अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोवाल तो ये आपने देखा होगा कि आ, काफी चर्चा में रहे थे चीन और भारत युद्ध के समय जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था तो अजीत डोवाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तात्र पडस्लिकार हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार जो है वो संजीव सन्याल हैं अब जो है आपके महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गुप्तचर एवं जाँच संगठनों के प्रमुख तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो संजय कोठारी हैं अंतरिम निदेशक के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जो है प्रवीर सिंह हैं मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन सिंह हैं प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अरविंद कुमार प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग जो है रा जिसे हम कहते हैं रा के प्रमुख जो है वो सामंत कुमार गोयल हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन जो है योगेंद्र चंद मोदी हैं निदेशक प्रबंधन निदेशालय ईडी जो है संजय कुमार मिश्रा उसके प्रमुख हैं महानिदेशक केंद्रीय आर्थिक अर्ध आस सूचना ब्यूरो जो है मिताली मधुस्मिता जो है वो हैं इसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो है महानिदेशक सशस्त्र सिगमा बल जिसे हम एस कहते हैं कुमार राजेश चंद जो है एस के है, महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जो है बी एस एफ के महानिदेशक हैं महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम सी आर पी एफ कहते हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी जो है महानिदेशक हैं सी आर पी एफ के सी आई एस एफ के राकेश रंजन जो है महानिदेशक हैं जिसे हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं इसके बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है यानी एस जी एम ए गणपत जो है इसके अध्यक्ष महानिदेशक जो हैं वो हैं एन की बात करें तो एन के जो है राजीव चोपड़ा महानिदेशक हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एन सी के महानिदेशक कौन है तो राजीव चोपड़ा महानिदेशक भारतीय तटरेक्षक बल आई सी जिसे कहते हैं कृष्णा स्वामी नटराजन जो है वो आई के महानिदेशक हैं एन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है उसके महानिदेशक जो हैं एस एन प्रधान है महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आर जिसे हम कहते हैं अरूण कुमार जो हैं आर पी एफ के महानिदेशक हैं असम राइफल्स सुखदीप सांगवान जो है महानिदेशक इसके हैं ये आपके महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछे जा सकते हैं यहाँ से एक प्रश्न जो है वहाँ पूछा जाता है अब हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव जो हैं उनके बारे में देखेंगे तो अध्यक्ष नीति आयोग का जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो इस पुराना नाम जो था योजना आयोग था जिसका नाम जो है चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया तीस अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री भारत के उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं अगर यहीं नीति आयोग की सी की बात की जाए तो नीति आयोग के सी जो हैं अमिताभ कांत हैं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यू जो है उसके अध्यक्ष जो हैं प्रदीप कुमार जोशी हैं अध्यक्ष इक्कीसवा विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेखा शर्मा ये यूपी पी सी भी पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल से रिलेटेड वो मैच करना था वहाँ पे पूछा गया था तो वर्तमान जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आयोग की है वो रेखा शर्मा है अध्यक्ष अनुसूचित जात के लिए राष्ट्रीय आयोग विजय जो है विजय सांपला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल सहनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है धीरेन्द्र पाल सिंह एवं सातवाँ वेतन आयोग जो है अशोक कुमार माथुर तो अध्यक्ष जो है सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है अशोक कुमार माथुर पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ये वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है अध्यक्ष पंद्रहवें वित्त आयोग के जो हैं वो एन के सिंह हैं जिन्होंने 2020 से लेके 2025 तक इनको सुझाव जो है वित्त सुझाव जो है वो देना था तो ये एन के सिंह है पंद्रहवाँ वित्त आयोग भारतीय प्रति स्पर्धा आयोग अशोक कुमार गुप्ता एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो ये जो है आपका पूछा जाएगा एग्जाम में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है एच एल दत्तू हैं पंद्रहवा वित्त आयोग जो है एनके के सिंह तो ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा वर्मा है ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से अब हम देखते हैं भारतीय बोर्ड प्राधिकरण इनके अध्यक्ष अब हम देखते हैं भारतीय बौद्ध प्राधिकरण में उनके अध्यक्ष कौन है सी रेलवे बोर्ड जो है बी यादव हैं रेलवे बोर्ड के सी कौन है तो बी यादव अध्यक्ष भारतीय प्रतिरोध एवं विनिमय सेबी जिसे हम कहते हैं अजय त्यागी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सी जो है प्रसून जोशी जो कि फिल्म के ग्रेडिंग करते हैं अध्यक्ष उसके कौन है तो प्रसून जोशी हैं कार्यकारी निदेशक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नीलम भारद्वाज हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी प्रमोद चंद्र मोदी अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के एम अजीत कुमार जो है अध्यक्ष है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड एन डी जो है उसके चेयर चेयरपर्सन जो है ये आपकी एग्जाम के दृष्टो से महत्वपूर्ण चेयरपर्सन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो वर्षा जोशी है अध्यक्ष कंपनी कानूनी बोर्ड जो है महेश मित्तल अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार संचार विनामक पद ट्राई के पी डी बखेल सी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण पंकज कुमार यू आई डी आई ए तो जो कि आधार के सी जो है वो पंकज कुमार है तो ये आपको याद रखना है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है वो विवेक जोशी हैं जो कि 2021 की, की जनगणना जो है ये उनके महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुखवीर सिंह हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टिक से महत्वपूर्ण है यहाँ जो है एक दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये वीडियो जो है आप को कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें